तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर माइंड ट्रिक्स पर। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिल्कुल आप फ्री में कैसे अर्निंग कर सकते हैं एंड इंस्टेंट पेमेंट रिसीव कर सकते हैं पेटीएम कैश। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप कैसे पेटीएम कैश कमा सकते हैं बिल्कुल बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के एंड कैसे इंस्टेंट पेमेंट ले सकते हैं, तो इस वीडियो में पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल भी इसको मिस मत करना एंड वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, मैंने पहले भी बोल दिया है, अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो आपका 100% लॉस होने वाला है। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको पेमेंट प्रूफ दिखाने वाला हूँ, तो पेमेंट प्रूफ मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस आपको क्या करना है, सिंपली मैं पूरा प्रोसेस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे साइनअप करना है। तो मैं आपको पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैंने अभी कुछ ही देर पहले 12:53 हो चुके हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ ठीक है मैंने कितने बजे यहाँ पर पेमेंट लिया था। तो मैंने फर्स्ट पेमेंट लगाया था 11:17 में जो फेल हो गया था। आपका भी फर्स्ट फेल होने वाला है क्योंकि अगर आपका अकाउंट यहाँ पर मैच नहीं करता तो फेल हो जाएगा। फिर लगाया मैंने 12:28 पे। अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको अपना सीधा पेटीएम पे एंड पेटीएम पे दिखाने वाला हूँ कि आपको मुझे कितने बजे रिसीव हुआ। तो गाइस वैसे तो इंस्टेंट पेमेंट हुआ है एंड के, तो गाइस देख सकते हैं हमने 12:28 लगाया था, 12:30 पे हमें रिसीव हो चुका है पेमेंट आधी का है। गाइस ICICI बैंक नोडल SEC की तरफ से हमें पेमेंट रिसीव हुआ है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे और क्या करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप वहाँ से कर लेना इसको डाउनलोड। आगे बताओ तो गाइस आपको क्रिएट एन अकाउंट पर करना है क्लिक एंड आपको यहाँ पर डालना है फ़ोन नंबर एंड फ़ोन नंबर वाले डालने के बाद आपको यहाँ पर डालना है पासवर्ड एंड यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कोड के तौर पर यहाँ पर जो दिया गया है आपको यही डाल देना है एंड हमारा रेफर कोड यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर करने हैं 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप किसी भी एक क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्ट करके इसका आंसर दे देना। तो आपका जब यहाँ पर अकाउंट फॉर्मेट हो जाएगा तो आप यहां से इसको रिकवर कर सकते हैं। तो गाइस यहां पर आप रजिस्टर करने के बाद आपको यहां पर लॉगिन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है, तो आपको सिंपली मैं ये भी बता दे रहा हूं कि अगर आप इसके डबल क्लोन बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं न्यू वर्जन का, तो आपको जाना है अपने सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको जाना है एप्स में। एप्स में जाने के बाद आपको जाना है डुअल एप्स पर एंड यहाँ पर यहाँ पर आपको कर देना है टैब जहाँ पर ये नीला वाला बटन है, तो यहाँ पर आपको कर लेना है एंड यहाँ पर आप हो जाएगा। तो आप यहाँ से दोनों अकाउंट में यहाँ से बना सकते हैं अलग अलग नंबर से। तो मैंने आपको अकाउंट बनाना बता दिया है, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपका बर्थ क्या है मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। तो गाइस बर्थ कुछ भी नहीं है, आपको ओनली शेक करना है, आपको चलने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको शेक करना है मोबाइल को। गाइस तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर डेली आपको 500 स्टेप दिए जाएंगे एंड एक दिन की कीमत आपकी 1900 रुपये रहेगी। आप अगर दो डिवाइस में करते हैं, अगर एक मोबाइल में आप दो क्लोन बना के करते हैं, तो गाइस आपकी टोटल यहाँ पर अर्निंग होने वाली है 3400 रुपये की। जी हाँ दोस्तों, और तो गाइस मैं आपको बता दूँ सबसे पहले हम इसको सेल करने के लिए जाएंगे, हम सेल SYW टोकन पर क्लिक करते थे एंड यहाँ पर हम डाल देते हैं इसकी क्वान्टिटी। क्वान्टिटी डालने के बाद हमें यहाँ पर शो हो जाता है हमारी वैल्यू, तो वैल्यू इसकी घट चुकी है गाइस यहाँ पर। तो हम इसको करेंगे सेल तो भी आपको दिखाने के लिए, तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना। तो जैसे जब इसकी प्राइस बढ़ जाती है तो आप उसको सेल कर सकते हैं, वैसे भी सेल कर सकते हैं जैसा आपका चलना। तो हम सबसे पहले यहाँ पर कर लें सेटअप अकाउंट। अकाउंट सेटअप करने के लिए UPI यहाँ पर पेमेंट बंद है, तो हम यहाँ पर IMPS पर यहाँ पर कर देते हैं क्लिक एंड यहाँ पर हम अपनी डिटेल्स डाल देते हैं बैंक की। तो बैंक की डिटेल्स आप फिल कर देना, पेटीएम SBI बैंक या कैनरा किसी भी बैंक की यहाँ पर फिल कर देना, तो पेटीएम बिल्कुल आपका इंस्टेंट आ जाएगा। तो गाइज आप हमारा मैंने यहाँ पर फिल कर दिए, तो इसके बाद यहाँ पर मैं करता हूँ सबमिट क्लिक। आपको मैंने बता दिया कैसे करना। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ इसकी क्वान्टिटी, तो हमारी हो रहे हैं 24.6 पैसे, तो हम इसको करते हैं सेल। तो गाइज यहाँ पर हमने कर दिया है ऑर्डर कन्फर्म। अब हम यहाँ पर चलते हैं मी पर, तो हमारा यहाँ पर बैलेंस कट चुका है। अब हम जाते हैं ऑर्डर रिकॉर्ड पर, तो हमें यहाँ पर आना है एंड सेलिंग पर क्लिक करना है। तो हमारा पेमेंट रिसीव हो चुका है गाइस हमारा, देखिए सक्सेसफुली। अब हम चलते हैं आपको इंस्टेंट पेमेंट दिखाने के लिए पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक में। तो अब यहाँ इंस्टेंट रिसीव हुआ है 1 बजे एंड हमारा यहाँ पर भी बैलेंस 1 बजे हुआ है। तो ICICI नोडल बैंक की तरफ से ये वाला